हेलो अंक्षी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी, वेन चाओ और वु यिंग तीनों साथ में डेट पर आए हुए थे। वेन चाओ जब जबरदस्ती वु यिंग को फूड खिलाने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरे हाथ में उसने पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था जो वो वु यिंग को देता है। वु यिंग तुरंत उसके हाथ से पानी का ग्लास लेता है और पानी पीना शुरू कर देता है। वेन चाओ की ज़बरदस्ती करने की वजह से उसे सच में सफोकेटिंग फील हो रहा था। पानी पीने के बाद जो सीन वो अपने सामने देखता है, वो सीन उसे काफ़ी सेक्सी लग रहा था। दो हॉट एल्फा क्या सच में उसके लिए लड़ रहे थे? वेन चाओ वांग जी से कहता है, हे तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं भी डेट पर आया हुआ हूँ। वांग जी बिल्कुल ऐसे प्रटेंड कर रहा था जैसे उसने वेन चाओ की आवाज़ को सुना भी ना हो। एक सेकंड के लिए वु यिंग को ऐसा लग रहा था कि वेन चाओ ज़रूर वांग जी से वही फाइटिंग शुरू करने वाला है, पर वांग जी जिस गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रहा था, वेन चाओ वो पीस ऑफ ब्रेड जो उसने अपने हाथ में लिया हुआ था उसे वही प्लेट पर फेंकते हुए कहता है, फाइन व्हाटएवर। वैसे भी ये प्रॉपर ओमेगा की तरह एक्ट भी नहीं कर रहा, ये वर्थ भी नहीं करता। ऐसा कहकर वो वु यिंग की इंसल्ट करते हुए अपनी चेयर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता है जहाँ से वो वांग लिंगजाओ को देख सके। वु यिंग को थोड़ा बुरा लगता है, उसे वेन चाओ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ऐसे कैसे वो उसकी इंसल्ट कर सकता है। तभी वांग जी उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें और वाइन सर्व करूं? वु यिंग कह देता है, यस। कंपटीशन का वीक वन तो कुछ ऐसे ही निकल गया था, अब वीक टू की बारी थी। वु यिंग को वो कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे लग रहे थे जो ओपनली सबको बता रहे थे कि वो यहाँ केवल मनी के लिए ही हैं। आफ्टर ऑल वो भी तो इस कंपटीशन में मनी के लिए ही आया हुआ था। तीन सीजन्स ऑलरेडी वो काफ़ी सारे मनी जीत चुका था, ऑलरेडी वो 1.5 मिलियन यूएन जीत चुका था। वो पूरी कोशिश करता था कि उन सीजन्स के दौरान वो उन्हीं अल्फाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करें जो जीतने के लिए ही आए हुए हैं, जो केवल मनी के लिए वहाँ हैं, जिससे उसे कम ही कपल्स ड्रामा फेस करना पड़े। पर वु यिंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गया था जब नी मिंगजे ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ कपल बनना चाहेगा। ऐसा नहीं था कि वु यिंग को मिंगजे एक बैड चॉइस लग रहा था, इनफैक्ट नी मिंगजे एक्चुअली एक डैम गुड चॉइस थी। वो टॉल था, मस्कुलर था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर फिर भी कुछ तो था जो वु यिंग उसे हाँ नहीं कर पा रहा था। वो नी मिंगजे से कहता है, जब से मैं इस शो में आया हूँ तुमने मुझसे केवल दो सेंटेंस ही बोले हैं और तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो। इस बात पर नी मिंगजे कहता है, मैंने तुम्हारे प्रीवियस सीजन में परफॉर्मेंस देखी है, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारी सर्वाइवल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम एथलेटिक हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम प्रैक्टिकल हो। वु यिंग मन में सोचने लगता है, ओके तो ये उसकी स्ट्रेटजी है। वो नी मिंगजे से कहता है, पर मैं बेयरली ही तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। नी मिंगजे हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुम आधे से ज़्यादा समय मेरे भाई के साथ बिताते हो। वु यिंग कहता है, हाँ ये बात सच है और मैंने भी उसके मुँह से सुना है कि तुम यहाँ केवल उस पर नज़र रखने के लिए आए हो। नी मिंगजे कहता है, हाँ शुरुआत में यही था, पर कोई भी किसी कॉम्पिटिशन को हारने के लिए तो ज्वाइन नहीं करता ना। वु यिंग को अब नी मिंगजे में एक्चुअली इंटरेस्ट आ रहा था, रोमांटिकली नहीं, पर जिस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो बात कर रहा था उसका तरीका वु यिंग को काफ़ी पसंद आ रहा था और उसे समझ आ गया था कि उसके और ह्वेसांग के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वु यिंग नी मिंगजे से कहता है, मैंने सुना है कि हमें नेक्स्ट फेक बेबी चैलेंज मिलने वाला है। नी मिंगजे कहता है, दैट्स गुड, मुझे पता है कि लास्ट टू सीजन्स में तुमने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। वु यिंग पूछता है, केवल टू में, थर्ड में नहीं? नी मिंगजे कहता है, नहीं मुझे अच्छे से याद है तुमने फेक बेबी को उठाकर इतना दूर फेंक दिया था कि उसकी आम बाहर निकल कर आ गई थी। वु यिंग हंसते हुए कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हें सच में याद है, इसका मतलब तुमने सारे प्रीवियस सीजन्स देखे हैं। वु यिंग सोचने लगता है कि नी मिंगजे को चूज़ करना काफ़ी अच्छा होगा, उसे फेक बेबी चैलेंजेस के बारे में भी पता है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसने एक रियल बेबी को पाला है, ह्वेसांग किसी बेबी से कम नहीं, तो शायद ये एक डिसेंट चॉइस रहेगा। वु यिंग नी मिंगजे से कहता है, आई विश इस बार वो कुछ न्यू चैलेंजेस भी लेकर आएँ, आई नो फैंस को तो यही चैलेंजेस ज़्यादा पसंद आते हैं, पर हर साल एक ही चीज़ करते करते बोरिंग फील होता है। नी मिंगजे उससे कहता है, तुम सच में चाहते हो कि प्रोडक्शन टीम एक न्यू ट्विस्ट के साथ आए? वु यिंग कुछ टाइम सोचने के बाद कहता है, ओके नो, तुम सही कह रहे हो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
फेक बीबी चैलेंज शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही वो यिंग और नी हुएसांग अपना कपल डम अनाउंस कर देते हैं, यानी इस चैलेंज में वो दोनों साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे। हुएसांग जो कि लास्ट नाइट ऑलरेडी अपने काफ़ी सारे अल्फा पार्टनर्स के साथ ब्रेकअप कर चुका था, वो इस कॉम्पिटिशन के बारे में जानने के बाद कहता है, ओ शिट, मुझे नहीं पता था कि फेक बेबी वाला कॉम्पिटिशन इतनी जल्दी होने वाला है। लास्ट सीजन में तो वो 5 वीक के बाद हुआ था ना। सुबह सुबह जब वो लोग उठे थे तो उनके आसपास 20 क्राइंग टॉयज लाकर रख दिए थे जो उनके फेक बेबीज होने वाले थे जिनका ख्याल उन्हें रखना था। मुशन्यू कहता है, क्या होता है अगर कंपटीशन में हमारे साथ कोई भी पार्टनर बनने के लिए तैयार ना हो तो? विंग उससे कहता है, डिपेंड करता है, पर इस फेक बेबी चैलेंज के लिए अगर तुम्हारे पास कोई कपल नहीं है तो तुम्हें सिंगल पेरेंट बनकर इस चैलेंज को पूरा करना होगा। पर मुशन्यू को आखिरकार वेनिंग नाम का अल्फा मिल गया था पेयरिंग करने के लिए। सारे कपल्स अपने अपने पेयर में खड़े हुए थे। विंग को नी मिंगजे के सामने बहुत ज़्यादा छोटा फील हो रहा था क्योंकि उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही थी। प्रोड्यूसर मैंग्याओ के हाथ में चैलेंज कार्ड देते हैं और अब मैंग्याओ पढ़ने वाला था कि आगे उन्हें क्या करना है। मैंग्याओ कहता है, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस सीजन्स देखे हैं तो तुम्हें फेक बेबी चैलेंज के बारे में पता ही होगा, पर इस साल हम एक ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। विंग ये सुनकर कहता है, ओ शिट, मुझे कल अपना मुँह बंद ही रखना चाहिए था। नी मिंगजे अपना मुँह छुपा कर सॉफ्टली हंस रहा था। मैंग्याओ कहता है, ऑफ़ कोर्स एक बेबी होना कपल्स की रिलेशनशिप में एक माइलस्टोन दिखाता है, पर बेबी आने से पहले की जो जर्नी होती है पेरेंटहुड की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। अचानक से जितने भी फेक बेबी टॉयज वहां रखे गए थे सबका रोना बंद हो जाता है। दरवाज़ा खुलता है और एक क्रू मेंबर एक ट्रॉली में काफ़ी सारी स्ट्रैप ऑन बैलीज लेकर आता है, जिसे देखकर विंग कहता है, ओ शिट। मैंग्याओ कहता है, इस बार फेक बेबी नहीं फेक प्रेगनेंसी चैलेंज होने वाला है। विंग अपनी टी शर्ट के नीचे से अपनी नई एक्सटेंडेड बैली की तरफ देख रहा था। सारे ओमेगास को स्ट्रैप ऑन बैलीस पहना दी गई थी जिससे उनका फेक बेबी बम्प दिख रहा था। फेक प्रेगनेंसी चैलेंज में ओमेगा को सारे काम करने थे अपने उस बेबी बम्प के साथ ही, और अल्फास को अपनी पूरी कोशिश करनी थी अपने अपने ओमेगा की मदद करने की। विंग को अपने बेबी बम्प के साथ देखकर नी मिंगजे ऑलरेडी हंस हंस कर पागल हुए जा रहा था। वहीं वैनजाओ वांग लिंगजाओ को देखकर कह रहा था, इस बम्प की वजह से तो तुम्हारा फिगर बिल्कुल खराब सा दिख रहा है। हुएसांग कह रहा था, इससे ज़्यादा टेरिबल और घटिया चैलेंज कोई नहीं हो सकता था। मॉर्निंग में सारे ओमेगास को बीच पर भेजा जाता है। उस फेक बैली की वजह से उन सब लोगों को चलने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि विंग तो चलने से ही हाँफ रहा था। विंग को काफ़ी ज़्यादा बोर भी फील हो रहा था। पुराने सीजन्स में जब भी उनकी बीच ट्रिप्स होती थी वो जानबूझकर अल्फास के सामने जाया करता था, अपना फिगर दिखाया करता था और उन्हें जज किया करता था ये सोचकर कि उनमें से कौन फिनाले तक पहुंच पाएगा और कौन नहीं। पर इस वक्त वो बीच के पास चेयर पर पूरी तरीके से थका हुआ लेटा था। अचानक से विंग को फील होता है कि उसका बेबी बम्प हिल रहा था। वो तुरंत अपने बम्प पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ माई गॉड। वो बाकी सारे ओमेगास से पूछता है, क्या तुम लोगों ने भी कुछ फील किया? वो सारे ओमेगास भी अपने अपने बेबी बम्प्स को पकड़े हुए थे। हुएसांग कहता है, तो इन लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक मोशन भी लगाए हुए हैं, ये टास्क कर पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। वो लोग काफ़ी टाइम तक बीच पर लेटे हुए थे पर अब उन्हें भूख लगने लगी थी। हुएसांग का ध्यान मुशन्यू की तरफ जाता है जिसने लॉन्ग स्लीव्स और लॉन्ग ही जीन्स पहनी हुई थी। वो उससे पूछता है, तुम ये कैसे पहन सकते हो? हम बीच पर हैं, वो भी एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? वो अपने पेपर फैन से खुद को हवा करने लगता है। तभी मुशन्यू कहता है, एक्चुअली मैं ये अपने स्कार्स की वजह से पहनता हूँ। एक सेकंड के लिए सब लोग साइलेंट हो जाते हैं। तभी हुएसांग कहता है, सॉरी। मुशन्यू कहता है, कोई बात नहीं, हम साथ साथ रहते हैं। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि किसी ने अभी तक मेरे स्कार्स को देखा नहीं। वही गुस्से कहता है, पर तुम्हें इस प्रोग्राम पर आने के बाद खुद की बॉडी को रिवील करने में कंफर्टेबल फील होना चाहिए। मुशन्यू कहता है, हाँ, स्पेशली अपनी बैक साइड को। विंग इस बात पर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ शायद। मुशन्यू, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम फिनाले तक पहुँच जाओ। मुशन्यू उससे कहता है, थैंक्स, तुम भी। जब उन्हें विला वापस आने के लिए परमिशन मिलती है तो वो लोग देखते हैं कि उनके छोटे छोटे कैंप्स बना दिए गए थे और हर कैंप के पास उनके अल्फाज खड़े हुए थे।
वो ये देख सकता था कि उसके कैंप में ब्लैंकेट्स थे, पिलोस थे, काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे थे। जहाँ वो सब लोग बीच पर समय बिता रहे थे, उनके अल्फाज को टास्क दिया गया था कि उन्हें अपने अपने ओमेगा के लिए ये कैंप बनाना है और उन्हें एक टाइम भी दिया गया था। वुइंग मिंगजे के पास जाता है और मिंगजे ने सच में काफ़ी अच्छा कैंप बनाया हुआ था, काफ़ी कंफर्टेबल दिख रहा था। उसके कैंप में एक सेपरेट योगा मैट और पिलो भी था, जिसे देखकर वुइंग नी मिंगजे से कहता है, वाओ, तुमने बाकी सारे अल्फाज से ये सब के लिए लड़ाई की। नी मिंगजे कहता है, मैंने ह्वाजांग को उसकी फर्स्ट हीट से गुजरते हुए देखा है, तो मुझे पता है कि एक ओमेगा को ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वुइंग एक क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, दैट्स अडोरेबल। दोनों जब कैंप में आ जाते हैं, नी मिंगजे उससे पूछता है, ह्वाजांग क्या कर रहा है। वुइंग कहता है, लास्ट नाइट उसके सारे कपल्स के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, तो फिलहाल वो एक न्यू सिंगल पेरेंट है, पर मेरे ख्याल से अभी काफ़ी सारे अनमैच्ड अल्फाज बचे हैं, वो जिसको चाहे उसे पिक कर सकता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी एक बजर की आवाज़ सुनाई देती है। वुइंग कहता है, ऑलरेडी दूसरी टास्क का समय हो गया, अभी ही तो हमने अपना एक चैलेंज फिनिश किया है। आई थिंक ये फेक प्रेगनेंसी चैलेंज फेक बेबी चैलेंज से भी ज़्यादा टफ है। सारे कपल्स बाहर आ जाते हैं। मैंग्याओ फिर से एक पेपर रीड करते हुए कहता है, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक अच्छे अल्फा होने का कि तुम्हें अपने ओमेगा के लिए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट ओमेगा है, उसके लिए अच्छे से अच्छा फूड प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट टास्क में तुम लोगों को एक जगह ढूंढनी होगी और वहाँ पर जो भी फूड अवेलेबल होगा उसे अपने हाथों से बनाना होगा अपने ओमेगा के लिए। पर याद रखिएगा, अगर आप अपने ओमेगा को अच्छा फूड प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आपका ओमेगा खुद आपको छोड़कर एक सुइटेबल अल्फा के पास जा सकता है। विंग कहता है, ओ गॉड, हमें ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं मिला था, ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुकी है और मुझे भूख लगी है, क्या ये लोग कह रहे हैं कि हमें अपना फूड खुद बनाना होगा। नी मिंगजे उससे कहता है, मैं अभी बाहर जाकर चेक करता हूँ, ज़रूर आसपास कुछ ना कुछ होगा, वरना वो लोग इस चैलेंज को सेट नहीं करते। बाकी सारे अल्फाज भी नी मिंगजे की तरह आसपास फूड ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। विंग नी मिंगजे के जाते जाते उससे कहता है, वेट, तुम्हें सी में काफ़ी सारी फिशेस मिल सकती हैं, छोटी छोटी, पर तुम्हें उसके लिए एक नेट का इस्तेमाल करना होगा। नी मिंगजे विंग की तरफ हाई फाइव देते हुए कहता है, गुड, मैं सबसे पहले वहीं जाता हूँ। काफ़ी सारे अल्फाज इधर उधर फूड ढूंढने में लगे थे, तो कुछ अल्फाज ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि जब कोई और अल्फा ले आएगा तो वो उसका फूड चुरा कर अपने पास ले आएंगे, वो वहाँ से उठने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। वेंचिंग अपने कैंप से बाहर आकर कहती है, मेरे कैंप में 6 छोटे छोटे कुशंस रखे हुए हैं, पर कोई भी एक बड़ी सी चीज़ नहीं है जिस पर मैं लेट सकूं। विंग भी कैंप से बाहर आकर कहता है, क्यों? वेंचिंग कहती है, क्योंकि मेरे अल्फा को लगा कि मुझे पिंक चीज़ें और क्यूट चीज़ें पसंद होंगी, इसलिए उसने छोटे छोटे पिंक कुशंस मेरे कैंप में ला कर रख दिए। विंग कहता है, ओ गॉड, प्लीज़ टेल मी कि तुम दूसरा कैंप चूज़ कर लेने वाली हो, तुम उन अनकम्फर्टेबल पिलोज पर कैसे सो पाओगी। तभी ह्वाजांग कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि जेंगचा को पिक कर लूँ, वो एक अनमैच्ड अल्फा है, उसने ज़रूर बेस्ट कैंप बनाया होगा, पर वो इतना ग्रम्पी है, उसे कैसे अप्रोच करूँ। तभी वेंचिंग कहती है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं उसे अप्रोच कर लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ग्रम्पी है तो। वो तीनों आपस में बात करते हुए सारे अल्फाज के कैंप को देखते हुए जा रहे थे, तभी विंग एक कैंप के सामने आकर रुक जाता है और ह्वाजांग से पूछता है, ये किसने बनाया है। जितने भी अनमैच्ड अल्फाज थे उन सब लोगों ने जो कैंप बनाया था उसमें केवल अपने लेटने के लिए एक बेड रोल डाल दिया था जिस पर वो आराम से लेटे हुए थे, पर विंग जिस कैंप के सामने खड़ा था जो किसी अनमैच्ड अल्फा का ही था, वो कैंप काफ़ी अच्छे से बनाया गया था, काफ़ी सारे फैब्रिक की लेयर लगाई गई थी, जो भी ओमेगा उसमें जाता उसके लिए वहाँ सारा इंतज़ाम था। ह्वाजांग विंग को जवाब देता है, ये लांग वांग जी का है। विंग कहता है, वाओ, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ कितना सारा सामान है, ब्लैंकेट्स हैं, टॉवल्स हैं, पिलोज भी हैं। ह्वाजांग कहता है, और ये कितना ज़्यादा नीट और क्लीन भी है। वैसे तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं की, विंग कहता है, क्या? ह्वाजांग कहता है, बाकी सारे अनमैच्ड अल्फा की तरह वो यहाँ सेपरेट प्लेस में आराम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो बाहर रहकर पूरी रात गार्ड करने वाला है, एक प्रोटेक्टिव अल्फा की तरह। काफ़ी सारे अल्फाज अपने अपने ओमेगा के लिए फूड लेकर वापस आ गए थे। नी मिंगजे वापस अभी तक नहीं आया था। विंग को उसकी चिंता नहीं हो रही थी, पर वो बुरी तरह भूखा मर रहा था।
आखिरकार नीम एंग जी वापस आ जाता है और वो शर्ट लेस दिख रहा था। वो वेइंग से कहता है, सॉरी तुम्हें इतना इंतजार करवाया, फिश के लिए तुमने काफी अच्छी टिप दी थी। नीम एंग जी दरअसल अपनी टी शर्ट का एक बैग बनाकर उसमें काफी सारे फ्रूट्स और काफी सारी स्लिपरी फिशेस भर कर लाया था। नीम एंग जी एक गैस स्टोव लेकर आता है जिस पर वो छोटे से पैन में सारी फिशेस डाल देता है और वेइंग से कहता है, जब एक साइड की हो जाए तो इन फिशेस को टर्न कर देना। वेइंग कहता है, क्या मतलब कर देना, तुम अपने पुअर ओमेगा से काम करवा रहे हो, तुम नहीं बनाओगे। नीम एंग जी कहता है, मैं बस अभी आता हूँ, ऐसा कहकर वो चला जाता है। जब नीम एंग जी वापस आता है तो उसके हाथ में एक वाइल्ड बोअर था जिसे पकाने के लिए वो लेकर आया था। वेइंग उससे पूछता है, ये वाइल्ड बोअर है? नीम एंग जी कहता है, पता नहीं ये वाइल्ड है या नहीं, पर ये बोअर है। इसका आधा क्रेडिट लंजा को जाता है। वेइंग पूछता है, लंजा? नीम एंग जी कहता है, ओह मैं लांगवांग जी की बात कर रहा हूँ, मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूँ, इस बोअर का शिकार करने में उसने ही मेरी मदद की है। वेइंग कहता है, तो आधा उसे भी मिलना चाहिए। नीम एंग जी कहता है, वो वेजिटेरियन है, मैं उसे काफ़ी सारे फ्रूट्स और नट्स देकर आ चुका हूँ। उसके बाद नीम एंग जी फिशेस और उस बोअर हेड को वेइंग को सर्व करता है। कुछ टाइम बाद वेइंग उससे पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम एक ओमेगा में क्या ढूंढ रहे हो? नीम एंग जी कहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, इंटेलिजेंट, फोकस्ड और प्रैक्टिकल। वेइंग कहता है, हाँ ये तो मैं हूँ। नीम एंग जी कहता है, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपना पार्टनर बनाया। वेइंग समझ गया था कि नीम एंग जी की तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है। वेइंग भी इस बात से खुश था क्योंकि वो भी नीम एंग जी के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रखता था, वो दोनों मिलकर केवल अपना टास्क कर रहे थे। अब थर्ड वीक शुरू हो चुका था। जब सब लोग सुबह उठते हैं, एक गोंग की साउंड के साथ सब लोगों को बाहर बुलाया जाता है। वेंचिंग एक्साइटेडली कहती है, क्या कोई नया चैलेंज मिलने वाला है? मेंग्याओ एक बार फिर प्रोडक्शन स्टाफ की तरफ से एक कार्ड रिसीव करता है जिसमें लिखा हुआ था, इस साल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चीज़ों को थोड़ा और स्पाइस अप किया जाए और आप लोगों को एक बोनस चैलेंज दिया जाए, या हो सकता है दो बोनस चैलेंजेस। वेंचिंग कहती है, ऑलरेडी हम काफ़ी स्पाइसी चैलेंजेस देख चुके हैं। मेंग्याओ आगे पढ़ता है, बोनस चैलेंज कंपल्सरी नहीं होगा, तुम चाहो तो इससे बाहर भी हो सकते हो, पर बोनस चैलेंज के रूल्स तभी बताए जाएंगे जब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम इस चैलेंज को करने वाले हो या नहीं। क्योंकि ये एक ऑफिशियल चैलेंज नहीं है, इसलिए हम टीम्स को स्विच कर रहे हैं। दो टीम्स बनेंगी, टीम ओमेगास वर्सेस टीम एल्फाज। जो भी टीम जीतेगी उन्हें 10,000 युआन का कैश प्राइज मिलेगा। तुम चाहो तो एक और कंटेस्टेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर रीज़न सूटेबल हुआ तो। वेइंग कहता है, इसका मतलब ये चैलेंज और भी ज़्यादा ऑफल होने वाला है। वेइंग देखता है कि दोनों लैंड ब्रदर्स रेस्पेक्टफुली इस चैलेंज से पीछे हट चुके थे। वेइंग सीधा वांग जी के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हें इस चैलेंज को ज्वाइन करना चाहिए। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। लेट्स सी वांग जी इस चैलेंज को करने के लिए तैयार होगा या नहीं। कैसी लग रही है ये स्टोरी आपको अभी तक, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।